हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस में। चलिए शुरू करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं इंडिटरमिनेट फॉर्म को कि फ्रेंड्स जनरली इंडिटरमिनेट फॉर्म होता क्या है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है, एन इंडिटरमिनेट फॉर्म इज एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग टू फंक्शंस हुज लिमिट कैन नॉट बी डिटरमाइंड सोली फ्रॉम द लिमिट ऑफ इंडिविजुअल फंक्शन। यानी कि फ्रेंड्स, ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें दो फंक्शन होते हैं और फ्रेंड्स उनकी वैल्यू को हम डायरेक्टली डिटरमाइन नहीं कर सकते, यानी कि फ्रेंड्स नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन यूज़ करके, लिमिट के नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन यूज़ करके हम उसकी वैल्यू को डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। और फिर फ्रेंड्स ऐसे फॉर्म को हम इंडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं। और फ्रेंड्स कैलकुलस में बराबर हमें 7 टाइप के इंडिटरमिनेट फॉर्म्स पता है, जैसे कि 0/0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 × इन्फिनिटी, 0:0, ∞:0, 1:∞। बराबर फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स जनरली ऐसे फॉर्म की वैल्यू तो हम नहीं निकाल सकते हैं, पर लेकिन फ्रेंड्स इसका मतलब ये नहीं कि ये मीनिंगलेस हैं। बराबर फ्रेंड्स, हाँ, तो फिर फ्रेंड्स इनकी वैल्यू को हम निकाल सकते हैं एल हॉस्पिटल रूल का यूज़ करके। हाँ फ्रेंड्स, एल हॉस्पिटल रूल। बराबर, जैसे कि फ्रेंड्स अगर कोई 0/0 का फॉर्म है, कोई एक्सप्रेशन 0/0 का फॉर्म है, कोई लिमिट जो 0/0 के फॉर्म में दी गई है, जैसे कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ये लिमिट है और ये 0/0 का फॉर्म बना रही है, यानी कि फ्रेंड्स ये वाला फॉर्म। बराबर, तो फिर फ्रेंड्स ऐसे केस में अगर मैं एफ एक्स का अलग से डिफरेंशिएशन करूं और जी एक्स का अलग से डिफरेंशिएशन करूं और वापस उसी लिमिट के लिए सॉल्व करूं, तो फिर फ्रेंड्स ये इसका आंसर देगी, यानी कि 0/0 फॉर्म का वैल्यू डिटरमाइन हो जाएगा। और फ्रेंड्स यही है एल हॉस्पिटल रूल। बराबर, कि जो भी लिमिट दी गई थी हमको एफ एक्स अपॉन जी एक्स का एक्सप्रेशन की, हमने उसी लिमिट के लिए एफ एक्स एफ डैश एक्स निकाला और जी डैश एक्स निकाला। बराबर, जो क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स। बराबर, और उनको सेम एक्सप्रेशन में रखा और फिर सॉल्व किया। तो फ्रेंड्स ये है एल हॉस्पिटल रूल। तो फ्रेंड्स कई बार सम करते हुए फ्रेंड्स ऐसा होता है कि एक सिंगल टाइम डिफरेंशिएशन करने पे हमें आंसर नहीं मिलता है, यानी कि फ्रेंड्स जो आंसर आएगा अगर मैं उसमें वापस एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा ना, वापस 0/0 का फॉर्म बन जाएगा। तो फ्रेंड्स हमें क्या करना है, हमें सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करना है, अगर फिर भी नहीं आ रहा है थर्ड टाइम डिफरेंशिएट करना है, यानी कि तब तक डिफरेंशिएट करते जाना है जब तक कि उसकी ऐसा एक्सप्रेशन ना मिल जाए जिसमें 0/0 या ∞/∞ का फॉर्म नहीं आ रहा हो। तो फिर आइए फ्रेंड्स, एल हॉस्पिटल रूल देखने के बाद फ्रेंड्स आइए हम समझते हैं कि एल हॉस्पिटल रूल को प्रूव कैसे किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स एल हॉस्पिटल रूल को प्रूव करने के लिए हमें टेलर सीरीज का यूज़ करना होगा। बराबर फ्रेंड्स, जैसे कि जो लिमिट हमें दिया गया है वो कुछ इस तरीके का है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स। बराबर फ्रेंड्स, ये है, अगर मैं इसे टेलर सीरीज की मदद से एक्सपेंड करूँ तो भी फ्रेंड्स ये कुछ ऐसे हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ए अपॉन एफ डैश ए प्लस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए प्लस डॉट डॉट। यानी कि फ्रेंड्स आगे भी इसके बढ़ते जाएंगे, जैसे हमें पता है टेलर सीरीज में, जैसे आगे फ्रेंड्स एक्स माइनस ए होल क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ए, फिर आगे बढ़ते जाएंगे ऐसे ही, फिर अपॉन जी ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ए जी डैश ए प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल जी डबल डैश ए प्लस डॉट डॉट। बराबर फ्रेंड्स, ये इस तरीके से एक्सपेंड होगा। भाई फ्रेंड्स, जैसे हमें तो पता है कि जो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स है, बराबर फ्रेंड्स ये ज़ीरो है। बराबर, और फ्रेंड्स सेम जी एक्स ये भी ज़ीरो है, यानी कि फ्रेंड्स फिर इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा एफ ऑफ ए और जी ऑफ ए ये दोनों तो ज़ीरो हो जाएगा। फिर बचेगा क्या हमारे पास, उसे फ्रेंड्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं, एक्स माइनस ए एफ डैश ए प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए प्लस डॉट 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 अपॉन एक्स माइनस ए जी डैश ए प्लस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल जी डबल डैश ए प्लस डॉट डॉट डॉट। बराबर फ्रेंड्स, अगर मैं दोनों साइड मतलब ऊपर और नीचे दोनों जगह से एक्स माइनस ए कॉमन निकाल लूँ तो फिर फ्रेंड्स और उनको कैंसिल कर दो तो मेरे पास बचेगा क्या, सिंपली फ्रेंड्स एफ डैश ए प्लस एक्स माइनस ए अपॉन टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए प्लस डॉट 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 डॉट। बराबर,
और यहाँ पे क्या बचेगा, जी डैश ए प्लस एक्स माइनस ए अपॉन टू फैक्टोरियल जी डबल डैश ए, बराबर फ्रेंड्स, फिर डॉट डॉट डॉट, बराबर। तो फ्रेंड्स अब हमें पता है कि फ्रेंड्स जनरली ये टर्म देखा जाए तो पूरा टर्म इसके बाद के सारे टर्म जीरो हो जाएंगे ऊपर और नीचे दोनों तरफ। तो फ्रेंड्स फाइनली बचेगा क्या, सिर्फ एफ डैश ए और जी डैश ए, बराबर फ्रेंड्स। तो जनरली जो हमने देखा था फ्रेंड्स, जो हमारी लिमिट थी बराबर, जो एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स की जो लिमिट थी बराबर, एल हॉस्पिटल रूल हमें इसके लिए निकालना था, वो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके का आ जाएगा। फिर लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, एफ डैश ए का एफ डैश एक्स और जी डैश ए का जी डैश एक्स, यानी फ्रेंड्स ये आ गया लिमिट, बराबर फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स यही है एल हॉस्पिटल रूल, हैंस फ्रेंड हमने प्रूफ कर दिया है एल हॉस्पिटल रूल को, बराबर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आगे हम देखने वाले हैं किस तरीके से हम जीरो बाय ज़ीरो फॉर्म को इवेल्यूएट करेंगे। तो फ्रेंड्स हमें पता है, हमने फ्रेंड्स सेवन टाइप के इंडिटरमिनेट फॉर्म को डिस्कस किया था, बराबर फ्रेंड्स। पर लेकिन अभी हम फ्रेंड्स शुरू करते हैं ज़ीरो बाय ज़ीरो फॉर्म को, बराबर। बाकी सबको भी फ्रेंड्स हम अपने वीडियोज़ में कवर करेंगे, पर लेकिन फ्रेंड्स पहले आज हम जीरो बाय ज़ीरो फॉर्म को देखते हैं कि फ्रेंड्स जीरो बाय ज़ीरो का फॉर्म बनेगा कब। फ्रेंड्स सपोज करो कि हमें लिमिट दी गई है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स, बराबर फ्रेंड्स। जीरो बाय ज़ीरो का फॉर्म कब बनेगा, जब फ्रेंड्स मेरा एफ एक्स भी ज़ीरो होगा और जी एक्स भी ज़ीरो होगा, बराबर फ्रेंड्स। तो भी ये जा करके जीरो बाय ज़ीरो का फॉर्म बनेगा, बराबर फ्रेंड्स। तो ये है जीरो बाय ज़ीरो की लिमिट, बराबर फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सो फ्रेंड्स सॉल्व कर सकते हैं एल हॉस्पिटल रूल का यूज़ करके, ठीक है फ्रेंड्स। और एल हॉस्पिटल रूल हमने देखा था फ्रेंड्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स। तो फ्रेंड्स ये है एल हॉस्पिटल रूल, बराबर फ्रेंड्स। हाँ एक और चीज़ फ्रेंड्स याद रखना कि यहाँ पे जी डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, मीन्स फ्रेंड्स डिफ्रेंशिएट करने के बाद जी डैश एक्स जीरो नहीं आना चाहिए, वरना फ्रेंड्स ये पूरा लिमिट इन्फिनाइट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। मीन्स चलिए फ्रेंड्स, तो फिर हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, बराबर। सपोज करो फ्रेंड्स एग्जाम्पल नंबर वन जो हमें दिया गया है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, बराबर फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि ये जीरो बाय ज़ीरो के फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे वैल्यूज रखिए, एक्स को ज़ीरो से रिप्लेस कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स ऊपर ई रेस टू एक्स का वन हो जाएगा, यहाँ पे भी वन होगा और ये एक्स ज़ीरो हो जाएगा और ये माइनस टू अपॉन साइन स्क्वायर ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा और फिर नीचे भी ज़ीरो, बराबर। ऊपर ये वन प्लस वन टू और टू माइनस टू ज़ीरो हो जाएगा, बराबर फ्रेंड्स। तो फिर ज़ीरो बाय ज़ीरो का फॉर्म आ रहा है। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं फिर, बराबर। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फ्रेंड्स क्या होगा, फिर ई रेस टू एक्स ई रेस टू एक्स ई रेस टू माइनस एक्स का ई रेस टू माइनस एक्स एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स हो जाएगा और ये माइनस टू ज़ीरो, और फिर साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, टू साइन एक्स कॉस एक्स और ये हो जाएगा माइनस टू एक्स, बराबर फ्रेंड्स। अब फिर से फ्रेंड्स हम एक बार चेक कर लेते हैं ये जीरो बाय ज़ीरो के फॉर्म में आ रहा है कि नहीं। तो फिर वापस फ्रेंड्स सॉरी ये ज़ीरो है बराबर, एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो। तो फ्रेंड्स वापस रिप्लेस करके देखो, वन ई रेस टू एक्स का वापस वन, सॉरी ये यहाँ पे माइनस एक्स है बराबर, और फिर ये ज़ीरो अपॉन ये भी ज़ीरो हो जाएगा, साइन एक्स ज़ीरो आया और फिर ये ज़ीरो बराबर, वन माइनस वन वापस ज़ीरो बाय ज़ीरो का फॉर्म आ रहा है, बराबर फ्रेंड्स। यानी कि मुझे इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना है, तो फ्रेंड्स इसे फिर से डिफ्रेंशिएट कीजिए, ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स और फिर ई रेस टू माइनस एक्स का ई रेस माइनस वापस आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस पहले से है तो फिर ये प्लस ई रेस टू माइनस एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस टू एक्स हट जाएगा, बराबर फ्रेंड्स। और ये टू साइन एक्स कॉस एक्स फ्रेंड्स होता है साइन टू एक्स, बराबर। तो फ्रेंड्स अब जब मैं साइन टू एक्स का डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो फ्रेंड्स फिर मुझे क्या मिलेगा, साइन टू एक्स का कॉस टू एक्स
वेल फ्रेंड्स, और फिर ये वापस 2x का डिफरेंशिएशन होगा तो 2 आ जाएगा। बराबर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म आपको पता होगा। नहीं पता है तो फ्रेंड्स तभी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप एक बार देख लीजिए। बराबर, तो फिर 2 cos 2x - 2। अब फ्रेंड्स फिर से हम चेक करते हैं कि ये 0/0 के फॉर्म में आ रहा है कि नहीं। तो फ्रेंड्स e^2x वापस 0 से रिप्लेस कीजिए, 1 + 1, और फिर ये -2 तो है ही। फिर वापस cos, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे cos 0 1 हो जाएगा, लेकिन नीचे 2 है, 2 - 2। बराबर फ्रेंड्स, तो फिर ये अभी भी 1 + 1 2, 2 - 2 0, और नीचे 2 - 2 0। तो फ्रेंड्स 0/0 के फॉर्म में अभी भी आ रहा है, यानी कि फ्रेंड्स अभी भी फिर से मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करना है। फ्रेंड्स इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कीजिए, e^2x का e^2x, e^-x का e^-x, और इस बार ये -2 बचा, ये 0 हो जाएगा। और फिर फ्रेंड्स नीचे 2 cos 2x क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, sin 2x, सॉरी फ्रेंड्स -sin हो जाएगा। बराबर, तो फिर आगे माइनस लगा दिया, और फिर बचा क्या, अभी 2x बच रहा है। अब इस 2x का वापस डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फिर मुझे वापस (2) मिलेगा। बराबर फ्रेंड्स, तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ, और फिर -2। अभी फिर ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e^(x - e^-x) - 4, सॉरी फ्रेंड्स ये 0 हो जाएगा। बराबर फ्रेंड्स, 4 2x। बराबर फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स फिर से हम x की वैल्यू रिप्लेस करके देखते हैं कि 0/0 का फॉर्म आ रहा है कि नहीं। तो फ्रेंड्स हम फिर से देख सकते हैं 1 - 1, और फिर नीचे 0 हो ही रहा है, यानी फ्रेंड्स अभी भी 0/0 का फॉर्म आ रहा है, यानी कि फ्रेंड्स इसको मुझे फिर से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स फिर से हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो फिर ये e^2x वापस यहाँ पे +e^-x हो जाएगा, और फिर ये नीचे -4 sin 2x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा cos 2x, और फिर से वापस 2 मुझे मिलेगा। तो फ्रेंड्स अब इस अभी ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा -8 cos 2x। अब फ्रेंड्स अब फिर से हम इसे चेक करते हैं कि 0/0 के फॉर्म में आ रहा है कि नहीं। तो फ्रेंड्स वापस अब वैल्यू रख के देखते हैं। बराबर फ्रेंड्स, तो फिर e^0 1 + 1 हो रहा है। बराबर, और नीचे -8, यहाँ पे 0 रखा, cos 0 हो जाएगा 1, तो फ्रेंड्स -8 बचेगा, यानी कि मुझे क्या मिल रहा है, 2 upon -8। बराबर फ्रेंड्स, तो फिर ये क्या हो जाएगा, -1/4। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स ये है हमारा आंसर, क्योंकि फ्रेंड्स हमने इस स्टेप से ये स्टेप पे आया, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे हमें अब 0/0 का फॉर्म नहीं मिल रहा है। बराबर फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये एग्जांपल आपको समझ में आएगा। चलिए फ्रेंड्स एक और फिर एग्जांपल लेते हैं, सेकंड, लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x - sin x / x2। तो फ्रेंड्स वैल्यू रख के देखते हैं, tan 0 0 हो जाएगा, sin 0 0, नीचे 0। बराबर फ्रेंड्स, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x का हो जाएगा sec² x, sin का हो जाएगा cos x, नीचे हो जाएगा 2x x² का। फिर से वैल्यू रख के देखते हैं, तो फ्रेंड्स इस बार फिर से 0 हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये भी फ्रेंड्स 0/0 के फॉर्म में आ रहा है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फ्रेंड्स आप फिर से रख के देख सकते हैं वैल्यू, sec² x भी 1 होगा, और -cos x 1 हो जाएगा, तो और फिर नीचे 0 हो रहा है, ऊपर 1 - 1 0, यानी कि फ्रेंड्स वापस ये 0/0 के फॉर्म में आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि हम इसको क्या करते हैं, फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो फ्रेंड्स sec x का क्या हो जाएगा, 2 sec x, sec x का वापस डिफ्रेंशिएट होगा, वो हो जाएगा sec x, tan x। बराबर फ्रेंड्स, और फिर ये cos x का -sin x हो जाएगा, -minus plus sin x, फिर अपॉन 2 x का डिफ्रेंशिएट हो गया। अब फ्रेंड्स अब देखिए, अब हमारे पास क्या आ रहा है, टोटल 2 sec² x tan x + sin x अपॉन 2। अब फ्रेंड्स अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता, क्योंकि फ्रेंड्स नीचे मेरे पास केवल अब 2 बच रहा है। बराबर फ्रेंड्स, तो फिर अब ये डिफ्रेंशिएट नहीं हो सकता, क्योंकि नीचे मुझे एक होल नंबर मिल चुका है,
बराबर। अब ऊपर की वैल्यू फ्रेंड्स कुछ भी आए बराबर, अब नीचे नीचे हमारे पास होल नंबर है तो फ्रेंड्स अब ऊपर मैं कुछ भी कर सकता हूँ बराबर। फ्रेंड्स अब मैं ऐसी वैल्यू ऊपर सारे एक्स की जगह पर रिप्लेस कर देता हूँ, फिर हमें पता चल जाएगा कि क्या हमारा आंसर आ रहा है बराबर फ्रेंड्स। तो फिर ऊपर रख के देखते हैं तो टेन एक्स भी जीरो हो जाएगा, साइन एक्स भी जीरो हो जाएगा बराबर फ्रेंड्स, यानी कि 0/2 मिलेगा और ये हो जाएगा 0। तो फ्रेंड्स ये दो एग्जांपल हमने देखा, मुझे उम्मीद है कि फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। हम फ्रेंड्स वापस अब देखते हैं इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट का फॉर्म ठीक बराबर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलिए 0/0 फॉर्म को समझने के बाद फ्रेंड हम सेकेंड फॉर्म समझते हैं इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट का फॉर्म बराबर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कि इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट का फॉर्म होगा कब हमारे पास। सपोज करो कि फ्रेंड्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स दिया गया है हमें बराबर फ्रेंड्स। और फिर फ्रेंड्स इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट का फॉर्म कब होगा फ्रेंड्स, जब हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू भी लिमिट में रखने के बाद इन्फिनाइट आ रही होगी और जी एक्स की वैल्यू भी लिमिट में रखने के बाद इन्फिनाइट आ रही होगी, यानी कि फ्रेंड्स जब ये दोनों केस होंगे तभी मेरे पास इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट का फॉर्म आएगा। तो फ्रेंड्स हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो फ्रेंड्स हमने देखा था कि ऐसे फॉर्म को सॉल्व करने का तरीका यही होता है एल हॉस्पिटल बराबर फ्रेंड्स। फिर से एल हॉस्पिटल का यूज़ करेंगे, तो फ्रेंड्स एल हॉस्पिटल क्या था मैं आपको फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, याद कर लीजिए फ्रेंड्स एल हॉस्पिटल रूल को, बस और क्या, एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स बराबर फ्रेंड्स बराबर फ्रेंड्स। तो फिर ये है हमारा इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट का फॉर्म। चलिए फ्रेंड्स हम एक एग्जांपल देखते हैं बराबर फ्रेंड्स। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है हमारा वो कुछ ये है लॉग एक्स अपॉन कॉट एक्स। तो फ्रेंड्स अब आप देख लीजिए एक्स की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके देखिए फ्रेंड्स हमारा आंसर क्या आएगा लॉग ज़ीरो। ये भी फ्रेंड्स अनडिफाइंड है पर फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम इन्फिनाइट कंसिडर कर सकते हैं। कॉट एक्स ये भी इन्फिनाइट हो जाएगा कॉट ज़ीरो, यानी कि फ्रेंड्स इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट का फॉर्म बन रहा है हमारे पास बराबर फ्रेंड्स। यानी कि अब मुझे क्या करना होगा, मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा, यानी कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो लॉग एक्स का क्या हो जाएगा 1/x और कॉट एक्स का क्या होगा फ्रेंड्स माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स बराबर फ्रेंड्स। और फिर अब हम फ्रेंड्स अब इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो फिर वो कुछ इस तरीके से होगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो 1/-cos x स्क्वायर x इंटू एक्स और फिर ये और सिंप्लीफाई हो करके माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन x बन जाएगा बराबर फ्रेंड्स। अब हम वैल्यू डाल के देखते हैं एक बार, तो फ्रेंड्स साइन 0 0 और x 0 आ रहा है, यानी कि फ्रेंड्स अब देखिए अब ये कन्वर्ट हो चुका है 0/0 के फॉर्म में। पहले ये इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट के फॉर्म में था लेकिन अब 0/0 के फॉर्म में आ गया है। लेकिन फ्रेंड्स अभी भी हमारा आंसर तो मिलने वाला है नहीं, यानी कि अब मुझे क्या करना होगा इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना होगा। तो फ्रेंड फिर से डिफरेंशिएट करने पे ये मुझे क्या मिलेगा माइनस 2sin(x) cos x अपॉन, अब फ्रेंड्स x का डिफरेंशिएट होकर के 1 आ जाएगा बराबर फ्रेंड्स। यानी कि अब मुझे अब इसके बाद ना तो 0/0 का फॉर्म मिलने वाला है और ना ही इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट का, यानी कि फ्रेंड्स मुझे नीचे क्योंकि डिनोमिनेटर में हमें एक होल नंबर मिल चुका है बराबर फ्रेंड्स। तो फिर अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं डायरेक्ट वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ। तो फिर फ्रेंड्स अब डायरेक्ट वैल्यू आप रखेंगे इसमें तो फिर आंसर हमें 0 मिल जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स साइन 0 0 हो जाएगा, बाकी सब फिर और कुछ है ही नहीं, 0/0 हो जाएगा बराबर फ्रेंड्स। तो फिर ये हमारा आंसर आ गया, यानी कि फ्रेंड्स इससे हमें ये पता चलता है कि मुझे तब तक डिफरेंशिएट करना है जब तक कि मेरा 0/0 या इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट का फॉर्म हट ना जाए बराबर फ्रेंड्स। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं बराबर फ्रेंड्स। आइए चलिए फ्रेंड्स एक और एग्जांपल देखते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 log 10x अपॉन log x। फ्रेंड्स आप एक्स की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके देखिए फ्रेंड्स वापस मुझे इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट का फॉर्म मिल रहा है बराबर फ्रेंड्स। तो फिर अब मुझे क्या करना होगा, अब फ्रेंड्स फिर से हम एल हॉस्पिटल रूल का यूज़ करते हैं, यानी कि फ्रेंड्स वापस अब मुझे डिफरेंशिएट करना होगा। तो फिर लॉग टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/10x और टेन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 6x।
और नीचे log x का 1 by x, बराबर फ्रेंड्स। तो फिर ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, इसको थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं, sec square x upon tan x, और ये 1 by x फ्रेंड्स इधर आ जाएगा, बराबर फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स हमें पता है लिमिट की मींस ये प्रॉपर्टी, 1 ये होता है, यानी कि फ्रेंड्स अब मैं जब इस पार्ट के लिए लिमिट अप्लाई करूंगा तो फ्रेंड्स ये 1 हो जाएगा, यानी कि फाइनली सॉरी फ्रेंड्स एक स्टेप, ये तो फ्रेंड्स 1 हो गया बराबर। तो फिर अब फाइनली बचा क्या मेरे पास, लिमिट सेक्स स्क्वायर एक्स। तो फ्रेंड्स अब सेक्स स्क्वायर एक्स में एक्स की जगह पे हम 0 डाल के देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स सेक्स स्क्वायर 0, यानी कि हमारा आंसर 1 आ जाएगा, बराबर फ्रेंड्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको समझ में आ गया होगा 0 by 0 का फॉर्म और इन्फिनाइट बाई इन्फिनाइट का फॉर्म। फ्रेंड्स बाकी सारे फॉर्म्स को हम अपने वीडियो में कवर करेंगे, बराबर फ्रेंड्स, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, बराबर फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और उस घंटे के बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का अपडेट आपके पास पहुँच जाए। थैंक यू।